नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। प्रदेश भर के पंचायत प्रतिनिधि जुटे रीवा के गंगेव में, किया जन अधिकार पंचायती राज संगठन का गठन। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम इस मौके पर मौजूद रहे। प्रतिनिधि मंडल के द्वारा दिए गए 12 सूत्री मांग पत्र पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने प्रतिनिधि मंडल को भोपाल आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा, आपकी मुलाकात प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कराऊंगा, उन्हीं से अपनी बात आप कहिएगा। प्रदेश भर से पंचायत प्रतिनिधि जुटे, किया जनाधिकार पंचायती राज का गठन। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलाने की बात कही। विधानसभा अध्यक्ष ने त्रिस्तरीय पंचायती राज के पदाधिकारियों ने जनाधिकार पंचायती राज संघ का गठन किया है। जिले के गंगेव ब्लॉक में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रहे। संगठन में शामिल पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को एक पत्र सौंपा अपनी मांगों को लेकर, जिसमें जनपद अध्यक्ष गंगेव ने कहा, अगर सरकार उनकी 12 सूत्री मांग को मान लेती है तो उन्हें कार्य करने में और सहूलियत होगी, वह जनता के हित में और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, योजनाओं को जनता के बीच तक आसानी से ले जाने में कामयाब होंगे। गिरीश गौतम ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रतिनिधि मंडल को मिलाने की बात कही, पदाधिकारियों की समस्याओं को हल करवाने की बात कही। आयोजन को लेकर जनपद अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने क्या कहा, आप भी सुनिए। आज हम सब ने एक संगठन का गठन किया है जिसका नाम जना अधिकार पंचायत राज संगठन है, जिसके संबंध में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की जो मांगे हैं वो लगभग 12 बिंदुओं में हमने मध्य प्रदेश के यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी को सौंपी है और यह कहा है कि ये मांगे अगर सरकार हमारी मान ले तो हम सबको काम करने में, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में सहूलियत होगी। उन्होंने अपने उद्बोधन में हम सबको आश्वासन दिया है और कहा है कि 20 तारीख को आप सबको मुख्यमंत्री से मिलवा कर और आपकी मध्यस्थता कर आपकी मांग पूरी कराने का मैं प्रयास करूँगा। इसमें डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर सभी जगह से और रीवा जिले के अन्य पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सभी साथी आए हुए हैं। हजारों की संख्या में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ उपस्थित हैं और अभी इसके बाद कार्यक्रम चलना है और लगातार ये कार्यक्रम चलता रहे। अंतिम जो पाया है ग्राम पंचायत का वार्ड पार्षद, उससे लेकर के पंचायती राज के महल के गगनचुंबी महल के स्तर पर बैठा हुआ हमारा जिला पंचायत का सदस्य यहाँ सब बैठे हुए, उनका ये सम्मेलन है। इसको सम्मेलन का इसलिए कह सकते हैं कि मांगों की पूर्ति के लिए सम्मेलन। इस अवसर पर मैं भाई की चर्चा की है, हम चुन करके आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी 2-3 तरह की है। के लिए है ये जनता के लिए, हमारा मानदेय चाहिए, हमको चक्रवृद्धि भत्ता चाहिए, हमको लिखित चाहिए, ये सब हमारे स्व के लिए होगी। मतलब हम जनप्रतिनिधि बन करके काम करेंगे, 24 घंटा काम करेंगे तो स्वाभाविक है वो व्यवस्था बननी चाहिए। हमारा दूसरा योगदान ये होना चाहिए कि पंचायत के विकास में हमारी भूमिका क्या हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि पिछली बार भी, क्योंकि मैं उसमें भी कई बार भागीदारी किया था, मैंने देखा था उसमें बतौर विधायक, बड़ा भारी पंचायती राज एक सम्मेलन न होकर के एक आंदोलन बना था पूरे प्रदेश में। और लाल जी वगैरह तो बड़े अगुआ थे उसके और तमाम पूरे प्रदेश के स्तर पर इतना जोर से आंदोलन चला था
तो वाकई में दिखाई पड़ा कि कोई पंचायत राज व्यवस्था होती है और वो ज्यादा दिन चला नहीं। उस पंचायत राज आंदोलन का हास्य ठीक नहीं निकला। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।